तो कैसे हैं आप लोग? पता है, मैं ना सोच रहा था, आजकल जो चीजें हो रही है ना इस देश में, उस हिसाब से मानव जात बहुत जल्द बदलने वाली है। हो सकता है तुम्हारे पोते या परपोते तुम्हारे जैसे ना दिखे, हो सकता है उनका सिलेंडर जैसा शरीर हो, हॉकी स्टिक जैसा पैर और मुंह से आग उगलते हो सकता है वो भारी मात्रा में इकट्ठे होकर एक चूतिया से बाबा के लिए दंगे करे। ये तो हो चुका है, कुछ भी हो सकता है यार। खैर, मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिला है जो मानव जात को इसी दिशा की तरफ ले जा रहा है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर ये बनाना है। सुना है कि ये बनाना कच्चा है और इसे पकने में पूरे 1 महीने लगेंगे, और इसीलिए मैंने ये कमरा पूरे 1 महीने के लिए बुक किया है। केला खाने के लिए पूरा 1 महीना ही रुक गया। अब मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी, लेकिन ये एक बहुत ही उद्यमी बालक है। आओ देखें इसने 1 महीने क्या क्या बकचोदी पे ली। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, होता नहीं आसान, मुझे तड़पाना तेरी यादों में भी, तू हाँ कैसे मैं जी, तू हाँ कैसी ये तलब लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। भगवान करे ऐसी लत किसी को ना लगे, ये आधा पौधा आधा इंसान है, अपने होठों में मच्छर दबा लेता है, ये पूरा वीनस फ्लाईट्रैप वाला सिस्टम है। पकड़ा मसला, पचाया, हक दिया, लग गई जमाना चाहे लगती। ओहो बहन चोद, जमाना ये नहीं चाहता। भाई मेरे, तूने गांड मटकाई तो मटकाई, लेकिन ये टॉवल में से स्नीक पीक क्यों दे रहा है यार? आए हाय, कितने काले अंगूर। अभी गोवा में यहाँ पे बहुत गर्मी है और इसीलिए मैं ये स्विमिंग पूल में आया हूँ, क्योंकि स्विमिंग पूल का ये ठंडा पानी जो है वो मेरे तन बदन के तपिश को मिटाता है। किसको मिटाता है? तपिश। बहुत ही गर्मी है गोवा में, बहुत ज्यादा। आह वाह, ये पहला इंसान है जो अपने बदन पे चुल्लू भर पानी डाल के ऑर्गेजम प्राप्त कर सकता है। क्या लगा पूरे 1 महीने केले चूसने का इंतजार किया इसने? देखो सलमान, आपकी ये ट्यूबलाइट जो है वो ऑलरेडी फ्लॉप हो गई है, तो मैं मेरा करियर आपके साथ नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे ऑलरेडी हॉलीवुड से ऑफर आ रही है। बहुत ऑफर आ रहे हैं हॉलीवुड से, यहाँ तक कि स्टीवन भाटी जैसे बड़े बड़े लंके टोपे से कॉल करके पूछ रहे हैं, भैया जी एक बार गान मटका दीजिए, एलए की लड़कियां ट्वर्क करना भूल जाएंगी। या मैं मानता हूँ कि मैं कश्मीर में फेमस हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, सुपर मॉडल हूँ, और सुपर मॉडल। हाँ बहुत फैन फॉलोविंग। भाई क्या हो गया, ट्रेन से पटरी उतर गई? पिक्चर का जो भी शूटिंग होगा वो सिर्फ कश्मीर में होगा, अगर आपको ये बात मंजूर है तो ही मैं आपके साथ काम करूंगा सलमान। आर यू अग्रीइंग? वाओ, आई एम सो हैप्पी। आने वाले कुछ बुरे समय में इसने कश्मीर जाके एक फिल्म की शूटिंग की जिसका नाम था बादशाही लंड। हम इस चार चिनार के राजा है और हम चाहते है कि चार चिनार का हमारा जो ये कब्जा है ये हमेशा कायम रहे और इसके ऊपर दूसरा राजा राज न करे। राजा जी क्या लग रहे हो, बाराती लग रहा भोसड़ी के जो नाचते नाचते पैसे चुराने वाले बच्चे भगाता है। इसकी हरकतें यहीं खत्म नहीं होती है, ये जानवरों के नए नए नाम रखता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक बदक और एक बदकाइन। बदकाइन बदकाइन बदकाइन। 1 महीने तक गोवा में अगर केले पकने का इंतजार करोगे तो यही होगा। ये हमारी बिल्ली है। क्या है? बिल्ली है। बाहू बिल्ली, और कैप्शन में तो कमाली कर दिया इन्होंने। माय पुसी, आर यू मिसिंग मी? अब ये कौन सी पुसी है, कैसी पुसी है, किसकी पुसी है, मुझे नहीं जानना। अब इसने सोचा मुझे अपनी बकचोदी दुनिया के हर कोने में फैलानी चाहिए, इसलिए इसने पहाड़ चढ़ने का फैसला लिया। आओ देखते हैं इसका ट्रैवल व्लॉग। रोशन भैया, हम अभी इस खूबसूरत टेंट में सो रहे हैं, लेकिन मैं अभी ठंड से ठिठुर रहा हूँ, ठंड बहुत है
और मैं अभी बहुत ठिठुर रहा हूँ। बेचारा कितना ठिठुर रहा है, अगर गूगल पे सर्च मारोगे ना पहाड़ पे ठिठुरता हुआ आदमी, सबसे पहले इसकी तस्वीर आएगी। अरे ऐसे ठिठुरता है कोई? ब्यूटी शॉट चल रहे हैं, कैमरा एंगल चेंज हो रहा है, मेरा तन बदन कांप रहा है। हाँ तन बदन धन सन सब कांप रहा है। चेंज, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी पप्पी लूंगा। मौ, मौ। ये ऐसी पप्पी करते हुए इसकी मूर्ति बननी चाहिए। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मुझे पता चला है कि कश्मीर में जो है वो मेरा स्टैचू बना रहे हैं, मेरा स्टैचू बना रहे हैं। ये दूसरी बार हो रहा है यार मेरे साथ, ये क्या मायावी शक्तियां हैं? मेरे स्टैचू का पोज भी मुझे पता चला है जिसमें मैं ऐसे मौ कर रहा हूँ। बस कर यार बस कर, रात में बिजली के झटके लेके ऊर्जा पैदा करता है ये, केले के पेड़ के साथ शारीरिक संबंध है इसके, हथनी की सूंड पे चढ़ के सूर्य नमस्कार करता है ये, खाली वक्त मुंडे पे बैठे बैठे अपनी पुसी खुजलाता है ये, इसे बंदी नहीं नसबंदी का शौक है, और अगर गलती से कोई इसके केले को गलती से भी छू दे तो ये उसको देख के कहता है मौ। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, प्लीज इस बंदे पे यार हेट मत देना, जो कहना था मैंने कह दिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2 लाख। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ अपनी तपिश मिटाओ या ऊर्जा पैदा करो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय। मोहित तेरे को कितनी बार समझाया झमुंडा की चड्डी ओढ़ के नाचना बंद कर। शिकारा चलाते चलाते हमारा आदिल थक जाता है और फिर हमारे आदिल का मन करता है कि चाय पिए। मेरा भी मन करता है कि इस ठंड में अगर कोई राहत देने वाली चीज़ हो तो वो है गर्मा गर्म चाय। चाय की चुस्कियाँ लेते ही हम दोनों फिर से तंदुरुस्त हो जाते हैं।